हेलो गाइस, दिस जूली मिश्रा एंड वेलकम टू आरएन ऑनलाइन क्लासेस। आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। इसमें पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो इस वीडियो का हम थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता देते हैं। जो पहले तीन क्वेश्चन होंगे वो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होने वाले हैं। उसमें आपको चार ऑप्शन मिलेगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। और वैसे हम बताएंगे, लेकिन आप एक बार खुद से हल करने का प्रयास करिएगा और उसके बाद उसका आंसर कमेंट में लिख करके तब वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो हमारे दो क्वेश्चन होने वाले हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन, वो थोड़ा वेरी शॉर्ट टाइप के हैं, जो दो नंबर के आते हैं ज्यादातर एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये जो पांचों क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। तो क्या कहा जा रहा है कि शंकु का जो आयतन दिया है, पहली बात तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है, आप लोग भी पढ़ रखे होंगे। क्या फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का? शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन इज इक्वल टू होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में हमारे? 1570 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है वो तो क्यूब में होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, जो शंकु का आधार होता है ना, ऐसे हमारा शंकु होता है, ठीक है, ये जो ये आधार है, ये क्षेत्रफल, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त बनाता है, और अगर एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये कितना है? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है या नहीं है, ठीक है, यही क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अगर इतना है तो इसकी ऊंचाई बताना है हमें। सिंपल है, देखो आपको ये पता है और ये पता है। देखो त्रिज्या तो एक ही होगी क्योंकि शंकु में एक ही त्रिज्या होती है जो कि आधार की त्रिज्या होती है। यहाँ पे भी त्रिज्या, यहाँ पे भी त्रिज्या, यानी अगर आप देखो तो ये पाई आर स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे मिल गया जो कि 314 है। तो अब क्या इसे हल कर सकते हो? तो हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं। 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर 314 रख दो, ठीक है, क्योंकि हमें पहले ही पता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, और गुणे एच रख दो और 1570 बराबर में कर दो। अब क्या करो, h इज इक्वल टू 1570। अब पूछोगे ये दोनों कहाँ गए, तो हम इनको पक्षांतर करके उधर ले जाते हैं। तो अगर ध्यान दो ये भाग में है, क्योंकि बटे में है तो भाग में है, तो इधर जाएगा कितने में हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ये तो बेसिक बातें आती ही होंगी। और ये गुणे में है तो ये भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 314 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हमारे पास क्या आएगा? ये बचेगा कुछ इस तरीके का सिस्टम। अब देखो क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से क्या ये कट रहा है? और अगर हम इसे और कट करने की कोशिश करें तो किससे कटेगा ये? तो अगर हम 2 से काटने का प्रयास करें, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16, ठीक है, और 2 × 5 = 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कितना गया? 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, इतना बचा। अब क्या आप ध्यान दे पा रहे हो कि 7 अगर हम 157 का 5 में गुणा करें 785 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आप करके देखो। 7 × 5 = 35, 7 × 3 और 5 × 25 = 28, 2 × 5 = 5, 2 × 7 है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये कट करके 5 आ जाएगा। तो h बराबर हमारा क्या आ गया? 5 × 3, 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई है और ऊंचाई सेंटीमीटर में आता है। तो ये हमारा सवाल हो गया। और ऑप्शन नंबर आप जरा मुझे कमेंट में बता दीजिए कौन सा सही हुआ, कौन सा सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है बिल्कुल सही है। आपका एक नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ ऐसे कुछ गोला होता है, जब इसको 3D में बनाएंगे तो ये गोला होगा और जब 2D में बनाएंगे तो ये वृत्त कहलाएगा, ठीक है। तो जब 3D में है तो इसके जो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस, मतलब जो भाग मुड़ा हुआ है, और गोले का हर एक भाग मुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है, ठीक है, गोले का। तो उसका सूत्र क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठ का? गोले में दो चीजें होती हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक आयतन। वक्र पृष्ठ होता है 4πr² और जो आयतन होता है 4/3πr³ होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अच्छा वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वक्र पृष्ठ? 144 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर ना, हाँ 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या का पूछने का मतलब है ये आर हमें निकालना है। तो देखिए अब अगर हम इसका इसका कंपैरिजन करें तो पाई से पाई कट गया, आप एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि गोले का वक्र पृष्ठ इज इक्वल, अब चूंकि देखो ये बहुविकल्पी है तो इसको हल करना नहीं, सिर्फ टिक करना है, तो इसमें हम नहीं बताएंगे कैसे करना है। अगर ये अगर यदि लघु में आ जाता है तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अब नीचे लाइन में लिखेंगे वक्र पृष्ठ के नीचे क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 पाई, अब उसके बाद हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब हमें आर स्क्वायर चाहिए, ये पक्षांतर करेंगे तो चार इधर गुणे में है तो जाएगा यहाँ पे भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब भाग में जाएगा, अब हम इसको काट देते हैं तो चार के यही 12 होता है, दो चार छम 24, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 36, यानी कि आर जो है अंडर रूट 36 आएगा, और 6 छम 36 होता है हम जानते हैं, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन जो इसका है 6 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 6 सेंटीमीटर सही। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त अभी मैंने बताया ऐसे है, ठीक है, अगर 3D बनाओगे तो क्या बनेगा, ये 3D में ये गोला बन जाएगा और 2D में आपका वृत्त रहेगा। वृत्त का अगर हम जीता जाता एग्जाम्पल देखें तो एक सिक्का लो, सिक्का वृत्त है, ठीक है, बॉल लो जो होती है, कोई भी बॉल पकड़ लो यार, चाहे कैनवास की पकड़ो चाहे सिंथेटिक पकड़ो, वो कौन सी है, वो गोला है हमारा। ठीक है, ये बात क्लियर। वृत्त की परिधि की बात की गई है, वृत्त की परिधि तो सभी जानते हैं 2πr होती है, कितनी दी है 462 दी है, हाँ 462 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये दिया हुआ है 2πr, 2πr का मतलब क्या कि वृत्त की परिधि इतनी है, हमें क्या निकालना है, r निकालना है। बच्चों वाला सवाल है, आप लोग अब तक कर भी चुके होंगे, राइट, 2 × 22/7 लिखो और ये r लिखो, 462 लिखो, क्या काम करना है आप, चूंकि देखो यहाँ पे r बराबर करो, अब इन दोनों का पक्षांतर करो, 462 यहाँ पे उसी स्थिति में लिख दो, यहाँ ये भाग में है तो ये गुणे में बदलेगा, बदलेगा कि नहीं, अब ये दोनों गुणे में है तो नीचे आकर के भाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो से आप कट करना शुरू करो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 2, समझ पा रहे हो, केवल कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। 2πr = 462 लिख दिया तो यानी कि समझ लो सवाल हल हो गए, क्योंकि आपको आगे हल ही तो करना है, और क्या करना है, इतना हो गया। अब आप क्या करो, 11 से कट रहा है, देखो अगर ध्यान से देखो तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11 × 2 = 22, और एक बचेगा जो कि 11 बनाएगा, 11 × 1 = 11 हो जाएगा, तो ये 11 से कट रहा है, आप काट दो, 11 × 2 = 22 हो गया, 11 × 1 = 11 हो गया, और एक चीज अभी बची हुई है कि यहाँ से एक जाएगा क्योंकि ये 23 है, तो एक आगे बढ़ेगा 11 × 1 = 11 वापस से, तो ये इस तरीके का कुछ आएगा, कितना आएगा आपका, ये नहीं गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ पे 2 लिखना था आपको और 1 लिख दिया, भी आंसर गलत आता, कैसे और परेशान होना पड़ता फालतू में। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स का आपको ध्यान देना होगा पूरे पेपर में, क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही थोड़ा रामबाड़ टाइप के होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके नंबर आते भी हैं चले भी जाते हैं। कहाँ गए थे, हाँ यहाँ थे हम लोग, तो 2 से काट रहे थे यार, 11 × 2 = 22 होता है ना, तो दुनी लिखोगे ना, 1 × 2 क्यों लिखोगे, 22 हुआ या यहाँ पे 23 था, एक आगे बढ़ा, 11 × 1 = 11, अब 2 से 21 को भाग दोगे 10.5 आएगा कि नहीं आएगा, 10 × 2 = 20 होता है, तो 10.5 का गुणा जब 2 में करोगे 21 आएगा, चीज क्लियर हो गई हमारी। अब जब हम गुणा करेंगे 7×5 = 35, 3 और 7×0 = 0, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7×1 = 7, 0.1 के बाद है तो 1 लगा दो, आर है त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में, आंसर कौन सा सही हुआ चलिए देख लेते हैं। थर्ड में आपका पहला ऑप्शन है 73.5 सेंटीमीटर, पहला ही ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो गया थर्ड वाले क्वेश्चन का, बहुत ही छोटी सी सवाल थी तो हमने ज्यादा टाइम इसको नहीं दिया, 73.5 हमारा जो है सेंटीमीटर, ये पहला हमारा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक तार जो वृत्ताकार है की त्रिज्या, मतलब तार है उसको वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या क्या है, जो वो तार मोड़ा गया है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की तरह उसको मोड़ा गया है, ठीक है, उस तार को, फिर क्या है, इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, अब इसको चेंज कर, इसका शेप जो है, इसका आकार जो है उसको चेंज किया गया, अब इसको वृत्त से क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया, वर्ग की भुजा की लंबाई हमें बतानी है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो अब हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो देखो हमें क्या करना है, वर्ग बनाना है, तो ये बताइए हमको कि जो हमारा वृत्त है, यानी कि वृत्त की परिधि जो, बस यही चीज समझ जाओ, कॉन्सेप्ट है ये पूरे सवाल का,
वृत्त की परिधि इज इक्वल टू क्या होगा, वर्ग का परिमाप। क्या ये चीज समझ में आई? अगर ये चीज जिसको समझ में आ गई, समझ लो उसका काम हो गया इस सवाल में। मतलब क्या है, देखो जो वर्ग आप बनाओगे, जैसे ये वृत्त था, ये तार तार था, पूरा तार ऐसे घुमा हुआ था, अब इसको चेंज करके क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया, ठीक है, ये थोड़ा आयत बन गया, हाँ ये वर्ग है, तो ये वर्ग बनाया गया। अब बताओ इसी तार को मोड़ माड़ करके ये वर्ग बनाया गया है ना, जो जो इस वृत्त की परिधि रही होगी, जो यूज हुआ होगा, जितना तार इस वृत्त को बनाने के लिए यूज हुआ होगा, ठीक है, वही तार इसको बना रहा है। यानी कि तो हमने क्या समझा, हमने यही समझा ना कि जो तार था वो उससे एक वृत्त बनाया गया, यानी कि जो तार की लंबाई थी वो क्या हो गई, वृत्त की परिधि हो गई, यानी कि जितना तार वो लंबा था उसको मोड़ करके एक वृत्त बनाया गया। जब ऐसा किया जाएगा तो यानी कि जो परिधि होगी वही उस तार की लंबाई होगी, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, अब इसका शेप चेंज करके एक वर्ग बनाया गया, मतलब इसमें तार इंक्लूड नहीं किया गया, ना ही उसको घटाया गया, बस उसी तार से, जो तार ये था है ना, घुमा के बनाया गया था, उसी तार से ये वर्ग बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिर्फ इतना सा हुआ कि जितनी इसकी परिधि थी उसी की लंबाई का इसका परिमाप बनाया गया, इसको शेप किया गया, यानी कि जो इसका परिमाप होगा वो इसकी परिधि के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, तो वही चीज हमने लिखा है। बस अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr, वर्ग का परिमाप 4a, ठीक है, जो a स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, अगर a जो है वो भुजा हो, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर एक भुजा जो है a है तो उसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, और परिमाप वर्ग का क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4a हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमें भुजा निकालनी है, यानी कि a चाहिए हमें, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, 2 × 22/7 कर लेते हैं और गुड़े r कर देते हैं, यहाँ पे 4 × a कर देते हैं, हमें a चाहिए, तो उसके लिए अभी हमें r का मान भी तो रखना चाहिए, है ना, r का मान रख दो अब यहाँ पे 42, जो कि हमें दे रखा है, 7 × 42 होता है, होगा कि नहीं। अब देखो a इज इक्वल टू क्या आएगा, ये जो 4 गुड़े में है ये जब पक्षांतर करोगे भाग में आएगा, यानी कि 2 × 22 × 6 बचा, बाकी तो कट ही गया था, और बटा ये 4 आ गया, क्योंकि ये ऐसे हो गया। अब ये 2 × 4 भी हो जाएगा और ये 2 × 3 = 6 भी हो जाएगा, बचा कितना, 22 × 3, यानी कि 22 × 3 बराबर a, मतलब क्या हो गया कि a बराबर 2/3 = 6 और फिर 2/3 = 6, a बराबर 66 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर हमारा ये भुजा की लंबाई आ गई, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्ति शंकु की ऊंचाई जो है वो 8.4 सेंटीमीटर है, लंबवृत्ति शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर, लिखते जाइए उससे सवाल हल करने में आसानी होती है, और आधार की त्रिज्या जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है। आगे क्या कह रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। ये किसके लिए दिया था, लंब वृत्ति शंकु, मतलब शंकु के लिए दिया था, ये दोनों चीजें किसके लिए लागू होती हैं, शंकु के लिए लागू होती हैं। अब कह रहा है उस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, मान लो हम इसको R1 मान ले और गोले की जो त्रिज्या मान ले, ठीक है, गोले की त्रिज्या हमने क्या मानी, R2 मान ली, ठीक है, R2 मान ली। अब हमको यही त्रिज्या ज्ञात करनी है, और कह रहा है कि जिस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है, मतलब क्या हो गया, शंकु का आयतन कितना आएगा, 1/3 πr² h होता है ना, तो r² कर दो, ये होता है शंकु का आयतन 1/3 πr² h, सूत्र लगा दिया, और गोले का आयतन 4/3 πr³, यानी कि r²³ हो जाएगा। इतना समझ में आया, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो अब हमें चाहिए क्या, इसमें से जो जो चीजें हमें पता है हम उनको पहले लिख लेते हैं, जो जो चीजें पता है, 1/3 π का मान 22/7 पता है हमें, R1 का मान 2.1² पता है, अगर हम इसको डबल करके लिख लें ज्यादा अच्छा होगा, 2.1 × 2.1, और H जो हमारा है 8.4 है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3 हो गया, और पाई का मान जो है 22/7 है ना, और ये तो हमें चाहिए ही, यही तो हमें ज्ञात करना है, इसी के लिए तो हम मशक्कत कर रहे हैं। अब देखो सीधा सीधा हम देख लेते हैं, यहाँ पर 22/7 इधर भी और इधर भी कट जाएगा, 3 इधर भी 3 इधर भी कट जाएगा। अब देखो इसमें कितनी चीजें बची हैं, पहले ये देख लो आप,
अब यहाँ पे 2.1 बचा इंटू 2.1 बचा इंटू 8.4 बचा है, और यहाँ पे ये कट गया बचा 4 जो कि गुणे में है, तो नीचे कितना इधर करेंगे 75 तो भाग में आएगा, और इधर आर टू का क्यूब बचा हुआ है। जब 4 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 4 का जब हम इसको करेंगे तो 4 × 8 हो गया और 4 × 4 तो कर दिया। अब यहाँ पे आर टू का क्यूब, अब तो सवाल हल ही हो गई होगी, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आर टू बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यूब है इधर, तो इधर जब लाओगे तो घनमूल बन जाएगा, है ना। तो ये 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 ये क्या हो गया, घनमूल हो गया, यानी कि घनमूल जब निकालोगे 2.1 आएगा, और त्रिज्या है तो इसलिए सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि कितना आंसर आएगा 2.1 सेंटीमीटर जो होगी वो इस गोले की त्रिज्या होगी। गोले की त्रिज्या कितनी होगी 2.1 सेंटीमीटर, माने शंकु की भी त्रिज्या 2.1 होगी, उसके आधार की त्रिज्या और उसके आधार की त्रिज्या भी 2.1 होगी, और जो है हमारा गोले का गोले की भी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर होगी। तो ये थे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो कि आज मैंने आपको बता दिए, और आई होप आपने कमेंट भी कर रखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।